तो ये था एक्वेरियम, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जो है मैरीटाइम म्यूजियम है। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में शारजा एक्वेरियम की क्लिप्स जो हैं वो शेयर की थी, तो ये देखें, ये शारजा एक्वेरियम के बिल्कुल साथ में है मैरीटाइम म्यूज़ियम। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली साथ में ही हैं। टिकट्स भी जो है ना इसकी एक ही है, आपको एक टिकट लेनी है, फिर आप उसमें एक्वेरियम भी जा सकते हो और फिर उसके साथ साथ मैरीटाइम म्यूज़ियम भी जा सकते हो। यूएई में मैरीटाइम म्यूज़ियम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जैसे पहले के टाइम पे। अभी ये कल्चर और हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये जो बोट्स बनती हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बोट वाली टाइप की, क्योंकि जैसे पहले जब डिस्कवरी नहीं हुई थी यहाँ पर ऑयल की, तो जो मेन यहाँ पर जो काम होता था वो यही वाला होता था कि बोट्स बनाने का काम होता था। फिर उसी से जो है लोग तिजारत करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, वहाँ से कुछ सामान लेना या अपना सामान सेल करना, फिर बाद में पर्ल डाइविंग करना और फ़िशिंग करना। तो ये वाली चीज़ें ही यहाँ पर होती थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैरीटाइम म्यूज़ियम भी जो है, यहाँ पर बहुत सारी बोट्स वगैरह और पर्ल डाइविंग जब होती थी उसकी चीज़ें, और जैसे हमने एंट्री किया है तो ये प्रोजेक्टर पे जो है फिल्म चल रही थी कि कैसे पुराने टाइम पे जो है बोट्स वगैरह बनती थी, नेट्स वगैरह बनाते थे और फ़िशिंग करते थे, उससे सामान तिजारत करते थे, फिर पर्ल डाइविंग करते थे, फिर उसमें ज्वेलरीज वगैरह उसको सेल करना, बाय करना। तो ऐसे मतलब पहले यहाँ पर यूएई में चीज़ें चलती थी। बाद में जब पर्ल डाइविंग भी जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे फेमस होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी यूएई में, और बहुत मतलब दूसरी जगहों से भी लोग आते थे यहाँ पर पर्ल डाइविंग स्पेशली करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा बाद में ना टाइम ये आ गया कि पर्ल डाइविंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। वो उसका रीज़न ये था कि जैसे चाइना जापान है, इन लोगों ने फिर आर्टिफिशियल वाली जो है बनानी शुरू कर दी पर्ल्स वगैरह, तो लोग फिर वो ले लिया करते थे, और वो जैसे बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती और बहुत आसानी से बन जाती है फैक्ट्रीज़ वगैरह में। और यहाँ पर तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाइफ रिस्किंग जो है वो काम था। जो डाइवर्स होते थे जो पर्ल डाइविंग करने के लिए, वो एकदम उनको डीप जाना पड़ता था, वहाँ पर कोई नेट्स वगैरह या ऐसे मतलब नहीं कर सकते, उसमें आपको खुद सबसे नीचे जाना होता है, डीप मतलब सबसे ज़्यादा डीप में। तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता था और बहुत कम लोग कर पाते थे वो, तो बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर वो चीज़ चलती थी। लेकिन बाद में हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ गई, जैसे चाइना जापान ने जो है आर्टिफिशियल वाली बनानी शुरू कर दी, और इतनी ज़्यादा सस्ती सी मिल जाती है तो ईज़िली भी मिल जाती है ना, उसमें कोई लाइफ का रिस्क होता था या कुछ, तो फिर वो मतलब लोग फिर उस साइड चले गए कि हाँ वो आर्टिफिशियल वाली ले लेते थे। तो ये देखिए यहाँ पर सारी ना बोर्ड्स वगैरह रखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बोर्ड्स बना के रखी हुई हैं। तो पहले के टाइम पे तो जो खजूर के ट्री होते थे उससे बनती थी, मतलब जो ट्रंक्स होती थी ना पाम ट्री की, तो उससे मतलब बोर्ड्स वगैरह बनती थी। रस्सियाँ वगैरह भी, ये जो खजूर के जो लीव्स होती हैं उसके जो ब्रांचेस होती हैं उससे बनती थी रस्सियाँ वगैरह, फिर नेट वगैरह भी ऐसे ही बनती थी। उसके बाद फिर ये कि वुड, जैसे अब लकड़ियाँ वगैरह आ गई तो बाद में फिर चेंज हो गया, लेकिन पुराने टाइम पे ना ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था ये बोट्स वगैरह बनाना, फिर बाद में फ़िशिंग करने जाना, फिर ये सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई हुई हैं, पुराने टाइम की फिर नए टाइम की, कैसे पुराने टाइम पर चीज़ें बनती थी। और ये ना जगह जगह पर स्क्रीन्स लगे हुए हैं, जैसे अब पर्लिंग के बारे में, इस साइड पर पर्लिंग का है, तो यहाँ पर आप मतलब जो मतलब पहले के लोग हैं जो जाते थे, जिसने रियली ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उनके मतलब जैसे इंटरव्यू वगैरह नहीं होते, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा सा मतलब, अगर आपको जानना है, आपको मालूम करना है चीज़ें, तो वहाँ से पता चलती हैं। वो अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताते हैं उस टाइम पर जो उनके साथ हुए थे। तो और ये देखें, ये भी जैसे मैंने कहा पहले ना, पर्ल डाइविंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर थी, क्योंकि पर्ल का जो ये हब था और पर्ल्स वगैरह जैसे ज्वेलरीज बनाने के लिए लोग यहाँ से बाय करने के लिए आते थे। तो इस तरह देखें, जैसे शेल्स में से निकाल ली हैं पर्ल्स, और अब इसको ये कैसे सेल करते हैं वज़न से तोल के, और फिर ऐसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्प्ले की हुई है। मतलब हिस्ट्री अगर किसी को पता करनी है ना, तो ये म्यूज़ियम मतलब बेस्ट है। और ये देखिए, ये कुछ ज्वेलरीज हैं जो पुराने टाइम पर बनी हुई थी उन पर्ल्स की, जो डाइव करके लेके आए हुए हैं। और ये देखें, ये सारे टूल्स हैं जिससे पर्ल्स को जैसे ये पॉलिश वगैरह करते थे और शेप वगैरह जो भी उनका होता था।
और यहाँ पर और भी चीज़ें रखी हुई हैं जो डाइवर्स अपने साथ नीचे लेकर जाते थे, जैसे ये देखें, ये जैसे ये नेट है और दूसरी जैसी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले डाइवर्स यूज़ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। मैरीटाइम म्यूज़ियम भी, एक्वेरियम भी, और बहुत अच्छे से बनाया हुआ और डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये हम पी रहे थे चाय, क्योंकि अंदर जो है ना हम थोड़ा सा वो हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था चाय नहीं पीती, और सुबह भी हमने चाय नहीं पी थी उस दिन। तो बस अभी हमने सारा जो है वो घूमना वगैरह हो गया है, हम निकल रहे हैं बाहर और अब जाएँगे सीधा घर। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताएँ, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें आके, और बस सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।